करीब 30 किलोमीटर दूर फतुहा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। फतुहा के गोविंदपुर गांव को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक महीने में खाली करने का नोटिस दे दिया है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस में पुस्तैनी घरों में रह रहे लोगों को की जमीन पर दावा ठोका है। बोर्ड का कहना है कि वो जमीन गांव के पीछे बनी मजार की है। बड़ी बात यह है कि इस गांव में 95% से ज्यादा हिंदुओं की आबादी है। पेश एक रिपोर्ट। पटना से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर फतुहा ब्लॉक है। यहाँ के गोविंदपुर में रहने वाले करीब 15 परिवार हैरान भी हैं और परेशान भी। दरअसल उनके घरों पर अचानक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। नोटिस में वक्फ ने घर को खाली करने के लिए एक महीने का वक्त दिया है, जबकि लोगों का दावा है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड से नोटिस आने पर हम लोग ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो सीओ के पास गए, तो वहाँ पर लिखित हम लोग ने इनका कागजात मांग किए, तो हम लोग को वो रहती खतियानी और रहती जमीन बताए। उसके बाद हम लोग डीएम साहब के पास भी गए, वहाँ भी रहती और खतियानी हम लोग के जमीन को कागजी बताए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कानून बना हुआ है वक्फ बोर्ड का कि डीएम साहब का भी पावर नहीं है कि उसमें कुछ कह सकते हैं। वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि गोविंदपुर के पिछले हिस्से में एक मजार है। उस मजार से शुरू होकर आसपास की पूरी जमीन कब्रिस्तान की है, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि आदिकाल से यहां कभी कब्रिस्तान नहीं रहा है। अगर कब्रिस्तान होता तो कोई घर क्यों बनाता। हम लोग रह रहे थे, हमारे बाबूजी के नाम था तोता मिस्त्री, माता हमारा था, इन लोग के पहले ही से जमीन खरीदे हुए थे, हम इनका लड़का थे और हमारे लड़का ये हैं। हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ, से कम 45-50 बरस से रह रहे हैं, समझ गए ना। ऐसा हुआ कि वो बबलू मियाँ है जो बड़ी हैं, वो हम लोग पर कार्रवाई कर दें कि ये वक्त का ही जमीन है, हम लोग के खानदानी जमीन आज से नहीं है। जबरी कोड़ी महतो जो है उन्हीं का था, और कागज पत्र जितना है खतियान में वो सब सही है सर। हम लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट से हम लोग डिग्री भी हुआ। गोविंदपुर के लोगों ने परेशान होकर जमीन के मालिकाना हक की जांच के लिए डीएम के पास आवेदन किया था। इसके जवाब में जिलाधिकारी ने लिखित जवाब दिया कि जमीन रैयत है, इसका अर्थ है कि जमीन का मालिकाना हक यहाँ रहने वाले लोगों का है, वक्फ का नहीं। इसके बाद मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने वक्फ से जमीन के कागज दिखाने को कहा। वक्फ के पास संतोषजनक जवाब नहीं था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने वक्फ के नोटिस पर स्टे लगा दिया। वक्फ बोर्ड में एक नोटिस आया वक्फ से, इससे पहले देखेंगे बोर्ड गड़ा होगा। हम लोग का खतियानी जमीन है दावे के रास्ते 200 बरस से हम लोग का खतियानी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोविंदपुर के पास बाजार समिति बन रही थी, इसके लिए कुछ दिनों पहले सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था। इसमें उस जमीन का भी कुछ हिस्सा अधिग्रहण किया गया था, जिस पर वक्फ ने दावा ठोका है। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के एवज में उसका मुआवजा स्थानीय व्यक्ति को दिया था। कब्रिस्तान है वो, पहले ये होता था कि एक कब्रिस्तान बनाया गया, 5 कट्ठा मैंने दे दिया, 5 कट्ठा उसने दे दिया, इस तरह से एक बड़ा कब्रिस्तान बन गया 2-4-5 बीघे का। और पहले ये ओरल होता था कब्रिस्तान, कोई रजिस्टर्ड नहीं होता था, ओरल दे दिया गया। शमशान के लिए जमीन लोग ओरल दे दिया करते थे कि भाई यहाँ शमशान होगा, यहाँ कब्रिस्तान होगा, ओरल मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दी जाती थी। तो वक्फ बाई विल होता है, वक्फ बाई डीड होता है, और वक्फ बाई यूजर भी होता है, जिसको ओरल कब्रिस्तान में दे दिया गया, जिसका कोई भी डीड नहीं है। मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि पहले मौखिक जमीन का वक्फ भी होता था। बिहार में वक्फ की बड़ी संपत्ति ऐसी है, हर जमीन का डीड प्रस्तुत करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सदन में वक्फ कानून संशोधन बिल पेश किया था।
हालांकि सदन में सहमति नहीं बन पाने के बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया है। समझा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कानून में संशोधन के बाद ऐसे मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। दूरदर्शन समाचार, पटना।